हरदेव जी, हरदेव जी। परवाना, मैं जान गया हूं कि तू बेकसूर है। जिसके हाथ से तूने वो बम वाला बैग छीना था और जिसने मुझे गोली मारी है, वो कोई और नहीं बल्कि कमिश्नर त्यागी है। जी जनाब, हुकुम। ये कौन सी जबान बोलने लगा त्यागी? कौन बोल रहा? वो कहावत सुनिए ना, चाकू राखे साइयां, मार सके ना कोई। परवाना, अपनी मौत को अच्छा नाम दिया तूने। ये गलत फहमी तूने कब से पाल ली? एक बार सामने आ, फिर देख क्या हश्र करता हूँ तेरा। अगर ये तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो चल इसे भी पूरा कर देता हूँ। मुझे मारकर तेरा काम आसान नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत इंस्पेक्टर हरदेव सिंह जिंदा है। तेरे लोगों ने भी कबूल कर लिया कि हरदेव को मारने के लिए तूने उन्हें भेजा था, और यहां तेरा हर फोन टैप हो रहा है। मैं तेरी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूं त्यागी, लेकिन इतना समझ सकता हूं कि एक कमिश्नर को इतनी तो तनख्वाह मिलती है जिससे वो अपने परिवार के साथ इज्जत से गुजारा कर सके। साले, तू मुझे भाषण देने आया है? नहीं त्यागी, ये हुनर मुझे नहीं आता, लेकिन कितनी मुश्किल है हमारे सिपाहियों की जंग। जो सरहद पे खड़े हुए दुश्मनों को तो पहचान सकते हैं, लेकिन अपनी खाकी वर्दी पहने हुए इन गद्दारों को वो कैसे पहचानेंगे? इस धरती ने तेरे साथ क्या कमी की जो तू अपनी मां के साथ गद्दारी कर रहा है? आज तुझे उन लाशों पर रोना नहीं आता जो उन धमाकों में मरते हैं, क्योंकि उनमें कोई तेरा अपना नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा त्यागी कि अपने ही किसी धमाके में तू अपने बीवी बच्चों की लाशें ढूंढेगा, क्योंकि उन धमाकों को तेरे बीवी बच्चों की पहचान नहीं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इस मुल्क को बचा लूंगा, लेकिन कोशिश करके अगर एक जिंदगी भी बचा सका तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, चाहे वो तुम्हारे बीवी बच्चों की जिंदगी क्यों ना हो। हैंड्स अप, जो मैं कहता हूं वही करो। हेलो शाहनवाज, वो लड़का हमारे बेस से हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया है, तुम्हारी तरफ ही आता होगा, होशियार रहना। आप फिक्र मत कीजिए भाईजान, आज वो यहाँ पहुंचा तो जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। क्या हुआ शाहनवाज? वो यहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, तू पीछे जा, तोड़े स्टेयरिंग संभालता। तोड़े को तेरा इंतजार है।
परवाना, जिंदगी भर तोड़े ने सबको तोड़ा, आज खुद टूट गया। मुझे परवाना, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। वो बम लेकर कहाँ गया? आज गणपति विसर्जन का आखिरी दिन है और वो पूरी मुंबई में धमाके करने वाला है। शाहनवाज, भाईजान, एक हिंदुस्तानी ने हमारे मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। भाईजान, मुझे माफ करना, बस एक बम बचाकर ला सका। भाईजान, मुझे शाहनवाज, तू मरा नहीं है मेरे भाई, तू शहीद हुआ है। तूने हमारे मकसद के लिए जान दी है। तेरी इस कुर्बानी को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। जब तक इस मुल्क के हर घर की दहलीज पर एक भाई एक बेटे की लाश न गिरा दूं, तब तक मेरे लिए पानी की एक बूंद भी हराम है। कुछ ही मिनटों में शहर के सब लोग मर जाएंगे। तू जो चाहे कर ले, तू उन्हें नहीं बचा सकता। मत समझना कि जीत गया तू। मैंने इस बॉम्ब का टाइमर ऑन कर दिया है। 8 मिनट के बाद एक ऐसा धमाका होगा कि लाशों के चीथड़े कन्याकुमारी तक जाएंगे और चीखों की आवाज मेरे कश्मीर में गूंजेगी।
एक आदमी तेरे मुल्क के हजारों लाखों इंसानों की जिंदगी खत्म करने का दावा कर गया, बचा सकता है तो बचा ले, हजारों लाखों बेगुनाहों की जिंदगी। ये बम मुझे उस जगह फेंकना होगा जहां इसका असर खत्म हो जाए, और वो है समंदर। बनेगी एक नई तारीख।